हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है उत्तर प्रदेश में जो कि भारतीय पुलिस की तरफ से है। देखिए यूपी पुलिस कॉप के नाम पे एप्लीकेशन, जिसे हम ओपन करेंगे। इसमें दोस्तों इसके कुछ परमिशन मांग रहे हैं जो हमें परमिशन देना है, अलाउ करना है। उसके बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन में क्या है कि आप इसमें FIR दर्ज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, मतलब आप इसमें ऑनलाइन सब काम कर सकते हैं जो कि आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे दोस्तों परमिशन मांग रहे, इसे अलाउ कर देंगे, एड्रेस फाइल का, उसके बाद कैमरे का। देखिए दोस्तों यहाँ पे अलाउ करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इसका इंटरफेस आ गया है। तो दोस्तों इस इंटरफेस में यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी कॉप के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सीधे। तो दोस्तों अगर ये आप पहली दफ़ा यूज कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऐप ट्यूटोरियल, आप इस पर क्लिक करके इस ऐप को मतलब कैसे यूज करेंगे ये भी जान सकते हैं, या हमारी वीडियो लास्ट तक देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले आ रहा है एक इंग्लिश हिंदी, उसके बाद लॉगिन, एक रजिस्टर, एक फॉरगेट पासवर्ड का। तो हमें सबसे पहले हम नए यूजर है तो हमें यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर रजिस्टर पर देखिए क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों रजिस्टर, उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा यहाँ पे इंटर योर नेम, सेलेक्ट जेंडर, फिर मोबाइल नंबर, इंटर ईमेल आईडी, इंटर पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा आएगा। तो आप दोस्तों सबसे पहले अपना नाम डालना है, तो चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से जेंडर दोस्तों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेल, यहाँ पर मोबाइल नंबर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड, ओके यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये डालने के बाद यहाँ पे देखिए गेट OTP यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ओके दोस्तों ये चेकिंग कर रहा है। ओके दोस्तों जनरेट OTP, अभी देखिए हमारे एक नंबर पे OTP आएगा, यहाँ पे देखिए आ गया है, अभी मैसेज भी आएगा, आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है जो कि अभी ये नया नया प्ले स्टोर में आया दोस्तों। तो इससे आप ऑनलाइन FIR, उसका CDCC का सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए दोस्तों OTP आ गया है, तो 4811 74 ये OTP, फिर यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों देखिए ऊपर OTP आया था। ओके दोस्तों थोड़ा वेट करते हैं, ये देखिए दोस्तों हमारा हो गया है रजिस्टर। ओके ये हमारा सेव करने के लिए बोल रहे, चलिए इसे हटा देते हैं। यहाँ पे ऐसा ना मोबाइल नंबर डाल के वापस इसे रजिस्टर करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो हमने भी पासवर्ड पहले डाला था, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ओके दोस्तों ये चेकिंग कर रहा है। और लीजिए दोस्तों हमारा हो गया लॉगिन, ये देखिए ओपन हो गया। ओके दोस्तों तो आप यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखिए इसमें दोस्तों अभी ये नया एप्लीकेशन, इसलिए इसमें अभी काम चल रहा है, लेकिन कुछ वर्क कर रहा है कुछ वर्क नहीं कर रहा है। अगर आप देखिए यहाँ पे दोस्तों तो है रजिस्टर, EFIR, उसके बाद व्यू FIR, रिपोर्ट लॉ, उसके बाद यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं कि आपके नज़दीकी में कौन सा पुलिस स्टेशन है, एक्सीडेंट अलर्ट एरिया देख सकते हैं कि मतलब आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि आपके इस एरिया में कहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। फिर यहाँ पर देखिए बाइक का है, फिर वह करेक्टर सर्टिफिकेट है, यहाँ पे सिर्फ हेल्थ के लिए है, फिर वेरिफिकेशन के लिए एमरजेंसी, उसके बाद दोस्तों टैलेंट दोस्तों इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड का, फिर साइबर कॉल यूएस सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है, आप इसे सेफ्टी के लिए डाउनलोड करके रख लीजिए। ओके दोस्तों जैसे कि देखिए UFIR पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कोई FIR जो आपने दर्ज किया, तो यहाँ पे FIR नंबर डालेंगे, यहाँ पे एरिया डालेंगे, उसके बाद पुलिस स्टेशन डालेंगे, यहाँ पर उसका डेट डालेंगे,
और यहाँ पे FIR इशू कर दे रहे हैं या फिर सर्च करेंगे तो आपसे वो FIR आ जाएगा दोस्तों आपके सामने, उसमें क्या क्या नोट हुआ है सब कुछ आ जाएगा, आप यहीं से ही चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे पुलिस स्टेशन का मतलब ये दिखा रहा है कि मतलब आपके नज़दीकी एरिया में कौन कौन से पुलिस स्टेशन है, तो आपका GPS ऑन होना चाहिए। GPS ऑन रहेगा तो इसमें दोस्तों सारा सब आपका दिखाया कि आपके नज़दीकी में कौन कौन से पुलिस स्टेशन है। देखिए दोस्तों ऊपर अभी यहाँ पे ले रहा है, सर्च कर रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों इसमें, तो इसे मैं बैक कर देता हूँ यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है, आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी है, यहाँ पे हर एक का पुलिस का है, फायर का है, एम्बुलेंस का है, उसके बाद वुमेन हेल्पलाइन का है, चाइल्ड हेल्पलाइन का इमरजेंसी नंबर है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट भी इनका है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगे, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों इसी वीडियो के लिए। तो दोस्तों ये इसकी डाउनलोडिंग लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।